हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स की, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, नोइंग आर नंबर्स, है ना। और पिछले भाग में हमने सीखा था कि ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं। हमने देखा था कि जब सीमा और मीरा ने एक ही कैलकुलेशन को दो अलग अलग तरीके से किया, तो वहाँ पे उनके बीच में कुछ डाउट्स थे कि ये इस तरीके से कैसे हो पा रहा है ना। तो अगर हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं तो इजीली हम उसको कर पाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे उससे रिलेटेड आपको, ठीक है। तो आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे ब्रैकेट्स का यूज किया था, जैसे कि 17 और 109 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 17 109 को आप जब वैसे मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा कैसे होता है आपके लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपको इजी बनाना है तो हम ब्रैकेट का यूज करके 17 को आप 10+7 लिख सकते हैं, और 109 को आप क्या लिख सकते हैं, 100+9, है ना। फिर आप इजीली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरीके से ये चीजें हो जाती है, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे रोमन न्यूमरल्स का, ठीक है ना। रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स, ठीक है ना। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। कि रोमन न्यूमरल्स में हमें, जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में से आप लिखते हैं 1, है ना, नंबर्स को आप लिखते हैं ना किस तरीके से, जैसे आपके पास क्या है, 1 है, 2, 3, 4, है ना, एक्सेट्रा, आप इस तरीके से नंबर्स लिखते हैं। तो इन नंबर्स को जब हमें किस तरीके से लिखना होता है न्यूमरल्स में, है ना, तो किस तरीके से लिखते हैं, आपके आपके पास जैसे 1 है, तो 1 को हम किस तरीके से लिखेंगे रोमन में, इस तरीके से 1 को, है ना। 2 को इस तरीके से लिखेंगे 2, 3 को क्या लिखेंगे रोमन में, इस तरीके से लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब 5 को हमें लिखना है सपोज, तो 5 को ऐसे लिखा जाता है 5, ठीक है। फिर हमारे पास 6 है, 6 को ऐसे लिखते हैं, देन 7 है, ठीक है, देन आपके पास 8 है, ठीक है, 9 है, तो 9 में आपका देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, 9, 10 में आपके पास 1 इस तरीके से आ जाता है। आपने नोटिस करा होगा 1 को ऐसे लिखा हमने, 2 को, 3 को, 4 को, 5 में आपका V आता है, जब उस V के साथ एक और आएगा, एक स्लैश और आएगा, डंडा और आएगा, तो क्या हो जाता है 6, फिर 2 आएंगे 7, 3 आएंगे 8, है ना, और 9 को आप इस तरीके से लिखते हैं, 10 आपके पास इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई होगी कि आपको इस तरीके से हम क्या कहते हैं रोमन न्यूमरल्स में हम लिखते हैं। तो अभी तक जो हम ये 1 2 3 4 5 6 हम यूज करते थे, ये आपके पास हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है। ये वाला कौन सा है, ये हिंदू अरेबिक है। ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम हमारे पास है ना। तो ये सिर्फ यही सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आपके जो आपके पास अर्ली सिस्टम थे नंबर्स को लिखने का, वो रोमन न्यूमरल्स भी थे, तो रोमन्स के लोग थे, किस तरीके से वहाँ के बहुत सारी चीज़ों को किस तरीके से यूज करते थे, है ना। तो रोमन में आपने देखा होगा कि आपने अक्सर जब घड़ियाँ देखी, जो क्लॉक्स होती हैं आपके घरों में भी होगी, तो उनमें जनरली आपको रोमन में देखने को मिलता होगा लिखा हुआ, है ना, इस तरीके से आपको मिलता होगा। तो ये आपके पास थे, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ऐसे 10 तक तो आपने ये लिखा, है ना। इसी के बाद अगर आपको 11 से स्टार्ट करना है, आप 11 को क्या लिखेंगे, ऐसे आपके पास 11 हो जाएगा, है ना। 12 आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से 12 हो जाएगा, ठीक है। 13 आपको रोमन में लिखना है, तो ये 13 हो जाएगा, है ना। फिर आपको 14 लिखना है, तो ये हो जाएगा 14, है ना। 15 आपको लिखना है ना, ये आपका 15 हो गया। 16 आपको लिखना है, तो 16 हो गया, ठीक है। 17 आपको लिखना है, तो ये 17 हो गया हमारे पास। 18 आपको लिखना है, तो ऐसे 18 हो गया, ठीक है। फिर आपको 19 लिखना है, तो ये 19 हो गया, है ना। और 20 में आपके पास 2x आ जाएंगे, है ना, 2x। 10 में पहले 1x था, 10 के बाद
11 में x चलता रहेगा, है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। 10, तो इसी तरीके से आप 21 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, हर चीज लिख सकते हैं आप, है ना, हर चीज लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अगर आप कुछ जैसे कुछ कॉमन है, जैसे आपने देखा कि कुछ हम कॉमन न्यूमरल्स की बात करते हैं, है ना। कॉमन में जैसे कि वन है, वन वन को अभी आपने सीखा, वन को आपने कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, फाइव को आप कैसे लिखेंगे, फाइव को ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। 10 को कैसे लिखना है, 10 ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो बदलते हैं कॉमन, जो चेंज होते रहते हैं, है ना। 50 लिखना आपने, 50, 50 में एक एल आ जाता है, ठीक है ना। आपके पास 100 लिखना है, 100 पे क्या आ जाता है, सी आ जाता है, ठीक है ना। आपको 500 लिखना है, 500 में आ जाएगा डी, ठीक है ना। और आपको 1000 लिखना है, ठीक है, 1000 में आ जाएगा एम, ठीक। तो ये हो गए कॉमन जो हम यूज करते हैं, ये रूल है। अब कुछ रूल हैं सिस्टम्स के, कि जब आप, जैसे मैंने 20 तक तो आपको बता दिया, कुछ कुछ और रूल समझते हैं हम, है ना। क्या है और रूल? पहला रूल, जैसे कि आपके पास, अगर आपके पास कोई सिंबल रिपीट होता है ना, कोई सिंबल आपके पास रिपीट होता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाती है एस मैनी टाइम, जितनी बार वो आएगा, है ना। देखो, सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई सिंबल रिपीट होता है ना, अगर कोई सिंबल रिपीट होता है, इट्स वैल्यू इज एडेड, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज मैनी टाइम, ठीक है, इट अकर, ठीक है। तो कैसे आप पता लगाओगे कि आपके पास कौन सा नंबर है, ठीक है ना। सपोज जैसे हमारे पास एग्जांपल, आपके पास ये है, आपको पता है एक स्लैश एक के लिए होता है, दो बार आया तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको पता है ये एक एक्स 10 के लिए आता है, तो 2 है, 10 + 10 20 हो जाएगा, है ना। पता है एक एक्स 10 के लिए आता है, 3 है, तो 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? किस तरीके से वाई। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड, सिंबल इज नॉट रिपीटेड सिंबल इज नॉट रिपीटेड, ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स, ना। जो एक सिंबल है वो 3 से ज्यादा बार आपका रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। आपके कोई भी सिंबल है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता, लेकिन जो सिंबल्स होते हैं, बट द सिंबल्स जैसे कि आपके पास डी हो गया, है ना, सिंबल में आपके पास डी हो गया, ये वी हो गया, एल हो गया, ये वाले जो सिंबल्स हैं, आर नेवर रिपीटेड, आर नेवर रिपीटेड, है ना। वैसे तो हमने क्या कहा कि कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता, लेकिन डी वी एल ये कभी रिपीट नहीं होंगे, आपको कभी भी ये रिपीट होते हुए नहीं दिखाई देंगे किसी भी उसमें, ठीक है ना। चलो, अगला रूल क्या है? अगर सिंबल कोई छोटी वैल्यू का आप लिख देते हैं कोई बड़ी वैल्यू के राइट में, तो उसकी वैल्यू आपकी ऐड हो जाती है ग्रेटर वैल्यू के साथ, है ना। इफ अ सिंबल इज, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न, कुछ
the right. To the right of symbol of greater value. To the right of a symbol of greater value. सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू है ना, तो होगा क्या, उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल के साथ. इट्स वैल्यू इज एडेड वैल्यू ऑफ ग्रेटर ग्रेटर के साथ ऐड हो जाएगी. जैसे कि एग्जांपल के लिए है ना, आप देख पा रहे हो वी के बगल में हमने क्या लिखा है, आई वन. वी के बगल में हमने आई लिखा है ना, वी के बगल हमने आई लिखा है, तो वी के राइट में लिखा है छोटा आई होता है, आई को वन कहते हैं, वी को फाइव कहते हैं, तो छोटे वाले को हमने राइट में लिखा है बड़े वाले के, तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी. यानी वी को हम क्या कहते हैं फाइव, और आई को क्या कहेंगे वन, तो वन फाइव प्लस वन क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हमारे पास ये है x के बगल में हमने दो i लिखे है ना, तो x को क्या कहते हैं टेन, i को क्या बोलते हैं वन प्लस वन, अगर ये राइट में लिख रहे हैं है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा है ना. आई बात समझ में क्या हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं एल एक्स बी है ना, एल एक्स बी हमने लिखा, एल को हमने क्या बोला था पचास, एक्स को हमने क्या बोला था दस, बी को हमने क्या बोला था पाँच है ना, तो पचास और दस साठ और पाँच पैंसठ हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना. इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि हम अगर कोई भी सिंबल छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के बगल में लिखते हैं तो उनकी वैल्यू ऐड हो जाती है ना. ये हो गया रूल आपके पास. अगला रूल क्या है, अगला इसके अपोजिट है डी, कि अगर आप यह सिंबल सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ, लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ, लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, left of a symbol of greater value है ना. तो अगर आप ऐसे लिखते हैं कोई आपका छोटी वैल्यू का सिंबल आपने ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में लिखा है, तो क्या हो जाता है जो वैल्यूज है सब्ट्रैक्ट हो जाती है इट्स वैल्यू, किसकी स्मॉलर वैल्यू की, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड, its value is subtracted from the value of, from the value of smaller, sorry greater के है ना, greater की value से smaller की value क्या हो जाएगी subtract हो जाएगी. example की जैसे हमारे पास है i और v, i को क्या लिखते हैं हम one लिखते हैं, v को क्या लिखते हैं पांच लिखते हैं, और v के बड़ी value कौन सी है v है, ये बड़ी वैल्यू ना पांच लिखते हैं इसको, इसको वन लिखते हैं, तो पांच के बगल राइट लेफ्ट में हमने वन लिखा है तो माइनस हो जाएगी है ना, क्या हो जाएगी ये माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी बड़ी वैल्यू से माइनस हो जाएगी, यानी फाइव माइनस वन, और इसलिए इसको क्या कहते हैं फोर हम इसको लिखते हैं है ना. इसी तरीके से अगर हम ये लिखे है ना, तो बड़ी वैल्यू एक्स के लेफ्ट में लिखा है, एक्स को टेन कहते हैं, आई को वन कहते हैं, कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा है ना. इसी तरीके से हम लिखते हैं एक्स एल, ठीक है ना, तो L को क्या कहते हैं पचास कहते हैं, L को क्या कहते हैं दस, पचास में से दस गया कितना आ गया चालीस. और आपने वाला रूल भी समझा कि हमने क्या कहा था कि तीन के तीन, अगर आप एक सिंबल को तीन बार लिखते हैं तो रिपीट नहीं होगा, जैसे x x x इसको क्या बोलेंगे तीस बोलेंगे इसको, दस प्लस दस प्लस तीस. अब इसके बाद आपको चालीस लिखना है तो आप ये चार नहीं लिख सकते ऐसे, तो ये गलत है ना, ये क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया कि इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते. क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि तीन के बाद रिपीट नहीं हो सकता, मोर देन थ्री के बाद रिपीट नहीं होगा है ना, तीन के बाद रिपीट नहीं होगा, तो इसलिए हमने चालीस को क्या लिखा है
40 को हमने इस तरीके से लिखा है, एल एक्स एल हमने लिखा है, एल के लेफ्ट में हमने एक्स लिखा, एल को 50 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं, माइनस कर देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो 90 होता है ना, तो सी को हम क्या कहते हैं, 100 कहते हैं, एक्स को क्या कहते हैं, 10, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90 हो गया, है ना। आई बात समझ, अगला रूल इस तरीके से हम ये लिखते हैं, है ना। अगला ये रूल भी समझ आएगा आपको। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, रूल हमारे पास क्या है कि जो सिंबल होते हैं आपके पास वी एल डी, है ना, उनको कभी भी हम लेफ्ट में नहीं लिखेंगे ग्रेटर वैल्यू की, है ना। अगला आपके पास ई है, सिंबल कौन कौन से, वी वी वाले को, एल वाले को और डी वाले को, ये जो सिंबल्स हैं, नेवर रिटर्न, नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल, नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल, लेफ्ट ऑफ सिंबल, सिंबल वी एल डी नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल, ठीक है, लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, है ना। ये जो वी एल डी है इनको कभी आपने लेफ्ट में नहीं लिखना ग्रेटर वैल्यू के, क्यों, क्योंकि वी एल डी नेवर सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि दैट इज जो वी एल और डी है आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि अगर लेफ्ट में लिखोगे आप ग्रेटर के तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, नेवर सब्ट्रैक्टेड, है ना, इनको आप कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, कभी भी आप इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनको हमने नहीं लिखना, है ना। आई बात समझ में, तो सिंबल जो आई होता है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वी और एक्स से, है ना। अगला रूल ए बी सी डी ई एफ ई एफ, सिंबल आई सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड, जो सिंबल आई है उसको सब्ट्रैक्ट किससे करोगे, फ्रॉम वी से एंड किससे, एक्स से ओनली, वी और एक्स से ही कर पाएंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट, बाकी और उसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो सिंबल आपके पास एक्स, सिंबल एक्स है वो आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा, ये सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एम और सी ओनली, है ना, एक्स सिर्फ इन तीनों से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। आई बात समझ में, इनसे हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये जनरल रूल्स थे, तो इन्हें आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी रोमन न्यूमरल्स को लेके, मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। इस तरीके से हम अभी तक हिंदू अरबिक सिस्टम में हम नंबर्स का यूज करते थे, आज हमने सीखा कि रोमन में हम तरीके से जो रोमन के लोग होते थे वो किस तरीके से वहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। हमने रूल्स के जरिए देखा कि हमें क्या चीजें करनी है नंबर्स लिखते हुए, क्या चीजें नहीं करनी। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।